परियों, हम आप सबके जादुई दंड शस्त्रगार से ले आए हैं। अरे वाह नारसपरी, अब हमारी जादुई शक्ति हमें वापस मिल जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है नारसपरी। हाँ, और अब हम अपने जादुई दंड से रानी परी को आजाद करा पाएंगे। हाँ, और भयंकर परी का मुकाबला भी कर सकेंगे। हमें ये खुशखबरी जल्दी से बाल परी को देनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो है कहाँ? हम यहाँ है परियो। बाल परी, हम आप सबके जादुई दंड शस्त्रगार से ले आए हैं। अरे वाह नारस परी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन परियो, आज हम आप सबके लिए इससे भी बड़ी खुशखबरी लाए हैं। क्या? क्या? कैसी खुशखबरी बाल परी? खुशखबरी ये है कि बालवीर जीवित है। हाँ, हम सच कह रहे हैं, बालवीर जीवित है। बालपरी, हम सब समझते हैं आपका विश्वास इस बात को लेकर दृढ़ है कि बालवीर जीवित है। लेकिन की कोई बात नहीं है इसमें नटखट परी, हम सच कह रहे हैं, हम जानते हैं कि बालवीर जीवित है। पर बालपरी, बालवीर हम सबके सामने उस खाई में गिरा था। हाँ बालपरी, पर अगर बालवीर जिंदा होता तो वो हम सबसे मिलने जरूर आता। हाँ डेरी परी, हम जानते हैं वो हमसे मिलने नहीं आया, पर उसने हमें एक संदेशा भेजा है। संदेशा? कैसा संदेशा बालपरी? संदेशा ये है, ये गेंद, ये बालवीर का संदेशा है। बालपरी, आपको इस गेंद से ऐसा क्यों लगा कि बालवीर जीवित है? क्योंकि ये गेंद पृथ्वी लोक से आई है, और पृथ्वी लोक से इस तरह गेंद को सिर्फ बालवीर ही परीलोक तक पहुंचा सकता है। हमें इस गेंद में से बालवीर की गंध क्यों आ रही है? वो इसलिए कि ये गेंद पृथ्वीलोक के बच्चों ने बालवीर को भेंट में दी थी। और परियो, ये हम सब जानते हैं कि भयंकर परी किसी भी गंध को पहचानने में गलती नहीं कर सकती। बाल परी, ये तो सचमुच बहुत अच्छी खबर है। हमारा बालवीर जीवित है, इसका मतलब जानती है बालपरी, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे परीलोक को एक नया जीवन मिल गया हो। अब फिर से परीलोक में सच्चाई का सूरज उगेगा बालपरी। बालपरी, हम बालवीर से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते, हमें तुरंत उसके पास जाना चाहिए। नहीं नहीं परियो, हमारा इस समय पृथ्वीलोक पर जाना भयंकर को सतर्क कर सकता है, इसलिए हम पृथ्वीलोक नहीं जाएंगे बल्कि बालवीर को यहाँ परीलोक में बुलाएंगे। हाँ नाराज परी जी, हमें जादुई कलम दीजिए। जी बाल परी। लगता है हमारी बॉल अब वापिस नहीं आएगी, चलो कल खेलते। देवा, आए मुझे बुला रही है, मैं भी जाता हूँ। और वैसे भी क्रिकेट खेलने से मुझे कुछ याद नहीं आया। देवा तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें वहां देखकर सब खुश होंगे। देखो मैं जानता हूँ कि मुझमें कुछ असाधारण शक्तियां हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो मुझमें कहां से आई है और क्यों है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं बालवीर नहीं, मैं यहाँ अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा। देखो बालवीर, बस बहुत हो गया, अब तुम भी यहाँ से जाओ और मुझे भी जाने दो, और आज के बाद यहाँ मत आना। ये तो गया, पर पता नहीं वो गेंद परीलोक में पहुंची है क्या नहीं।
आ गई ये तो गेंद वापस। हाँ, और है लेखा इसमें तो संदेश परियों का, इसका मतलब चल गया पता परियों को कि है बालवीर जीवित। हाँ, अब पढ़ता हूँ संदेश। परीलोक खतरे में है। हाँ? बालवीर की मदद चाहिए। हाँ? हाँ, मेरा सोचना सही है, नहीं सप्तिक परीलोक में। हाँ? तो फिर है, अच्छा जब तक बालवीर को सब कुछ याद नहीं आ जाता वो रहे यही सबसे छुपकर, और तब तक मैं करता रहूंगा कोशिश उसे सब कुछ याद दिलाने की। हाँ, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। क्यों? वो क्या, हमें अंदर बैंक में जाना है, दरवाजा खोलो। बैंक बंद हो गया है, परसों आना। भाई साहब देखिए, एक मिनट के लिए दरवाजा खोलिए, हम दो आदमी 3 सेकंड में अंदर चले जाएंगे। हाँ? अजीब आदमी है, बोला ना बैंक बंद हो गया है, परसों आना। अरे रुकिए, अरे अरे रुकिए, चल बेटा चल। बाबूजी, बाबूजी यहाँ तो ताला लगा है। ताला लगा है, अरे तो चाबी से खोल दे। बाबूजी इसकी चाबी मेरे पास कैसे होगी? अरे तो लेके आनी चाहिए ना चाबी। अलमारी की चाबी से ये ताला कैसे खुलेगा, और इसकी चाबी मेरे पास कैसे होगी बाबूजी? ये बात भी सही है, मैं टेंशन में क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। बेटा अगर बैंक बंद हो गई तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? बाबूजी काम करते हैं, आप वो मैनेजर को जानते हैं ना? हाँ। आप उसे फोन कीजिए, शायद वो हमारी मदद कर दे। ये लीजिए। हाँ। लेकिन इसकी चाबी? बापूजी मैं इसको लॉक नहीं करता हूँ। अरे हाँ, एक मिनट। हाँ पांडे जी, देखो हम बैंक के दरवाजे तक पहुंच गए लेकिन दरवाजा लॉक हो गया है। हाँ मैं जानता हूँ कि हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन रास्ते में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमें आने में देर हो गई। क्या परसों? नहीं नहीं नहीं, परसों नहीं, हमें पैसे आज ही लौटाने हैं कैसे भी करके। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, देखो आज अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे ना तो हमारा घर हमसे छीन जाएगा। पांडे जी प्लीज जरा कोशिश तो कीजिए। हेलो, आज पैसे नहीं मिलेंगे परसों ही मिलेंगे। मुझे कैसे करेंगे मिलते? क्या हो गया डगरी साहब, बड़े परेशान लग रहे हो, और पैसे चाहिए आपको? और मैं लेके आया हूँ साथ में। आ इसका छड़, ये पकड़ 100 रुपया, सामने से ऑटो करो और सीधा अपने घर चले जाओ, और तुम्हारा जितना सामान है पांडे टिंडे टीन टप्पर सारा पैक करके तुरंत वहां से निकल जाओ। अगर तुम नहीं करोगे ऐसा ना तो मेरे चुनीलाल मुनीलाल आ जाएंगे और वो तुम्हारा सामान भी तक्के मार के बाहर निकालेंगे, तुमको भी। जयवीर जयवीर तुम सुन रहे हो ना ये क्या कह रहा है? प्लीज इसे कहो ना कि हमारे साथ ऐसा ना करे, प्लीज। हाँ जयवीर जयवीर इसे कहो ना कि हम उसके पैसे लौटा देंगे, हमसे हमारा घर ना छीने। बापूजी इस हैप्पी सिंह को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है ना, देखना अब ये जयवीर उसे अच्छे से समझा देगा कि बुरे काम का नतीजा क्या होता है। चलो जयवीर तुम क्यों हंस रहे हो? और ये तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रहा है सच्चे लोगों, और तुमको कुछ आइडिया भी है? और तुम जो बैंक लेट पहुंचे हो किसकी वजह से? इसकी वजह से। हाँ मैंने ही तुम्हारा वाहन जादू से उड़ाया था, ताकि तुम यहाँ समय पे ना पहुंच सको। जयवीर तुम तो बालवीर। मैं बालवीर ना आई, जयवीर हूँ, बुराई का साथी जयवीर। मैं हमेशा बुराई की मदद करता हूँ, और तुम जैसे अच्छे और सच्चे लोगों को परेशान करता हूँ। समझ आ गई बात अब तुमको? अब फटाफट अपने घर चले जाओ और अपना सारा सामान वहां से उठा के चुपचाप निकल जाओ। और डगली साहब जो भी आपने रोना तोड़ा करना है स्यापा करना है ना, वो मेरे आने से पहले कर लेना, क्योंकि मेरे से लोगों के आंसू नहीं देखे जाते। मन के कहा जो बालपन
अपने परी भयंकर को गेंद के बारे में है वो सच, वो ना हो है इसके पीछे कोई ना कोई खेल परियों का जो छुपा रही थी बाल परी। नहीं, जाना चाहिए मुझे अभी और रखनी चाहिए उन परियों पे नजर। इतना समय हो गया है लेकिन अभी तक बालवीर का कोई संदेश नहीं आया। नटखट परी, ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर को हमारा संदेश मिला ही ना हो, और ये भी तो हो सकता है जिस तरह हम परीलोक से बाहर नहीं जा पा रहे वैसे ही बालवीर भी अंदर नहीं आ पा रहा हो। अगर ऐसा है तो हमें बालवीर के पास गुप्त रास्ते से पहुंचना चाहिए। हाँ, लेकिन हम सब एक साथ बालवीर के पास नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों बालपरी? हम में से आधी परियां रानी परी को छुड़ाने जाएंगे और बाकी परियां पृथ्वी लोग जाएंगे बालवीर को ढूंढने। ओ, ये परियों की पूरी मंडली होकर इकट्ठा है रच रही क्या साजिश? गड़बड़ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। मुझे यही रुककर सुनना चाहिए ये सब। नाराज परी, अब आप सारी परियों को अपने अपने दंड दे दीजिए। जी बाल परी। विश्वास खाती नाराज परी? अभी बताता हूँ परी भयंकर को क्या है ये नाराज परी विश्वास खाती। बाल परी, अब हमें गुप्त रास्ते की ओर चलना चाहिए। हाँ चलो परियो, चलिए। गुप्त रास्ता, यानी ये परी है करी साजिश यहाँ परी लोग से भागने की? नहीं, अभी बताता हूँ परी भयंकर से ये बात है। पापा, दादाजी, महेश मिले पैसे? देखा, कहा था ना मैंने मानो कि हो जाएगा सब ठीक। लाइए पैसे दे दीजिए, मैं अलमारी में रख देती हूँ। क्या वो महेश आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? स्मिता, बैंक में से पैसे नहीं मिले। क्यों? वो हैप्पी सिंह की वजह से हम बैंक पर वक्त पर नहीं पहुंच सके। इसीलिए जब तक हम बैंक पहुंचते बैंक बंद हो गया था। ये आप क्या कह रहे हो दादाजी? मतलब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? ये हैप्पी सिंह है बहुत बुरा, छीन लेगा वो इस परिवार से इनका घर। लेकिन बालवीर को भी मदद के लिए नहीं ला सकता हूं मैं, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं है कि वो है बालवीर। नहीं मम्मी, हमें घर छोड़कर नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, हम लोग ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ महेश, मेरे जितने गहने मैं सब दे दूंगी, लेकिन हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। स्मिता, इतने पैसे काफी नहीं है। एक मिनट पापा, चल बल्लू। और मैं
शहर का गुल्लक है, इसमें जितने पैसे अब वो सारे पैसे ले लीजिए। और ये है मेरा गुल्लक। क्या हुआ पापा, पैसे अभी भी कम है? हाँ बेटा, पैसे तो कम है लेकिन तुम बच्चों का दिल बहुत बड़ा है। बेटा, इस घर के लिए तुम्हारा प्यार बहुत बड़ा है और जब तक हम इस घर से प्यार करते हैं हमसे ये घर कोई नहीं छीन सकता, हैप्पी सिंह भी नहीं। उन अच्छों और सच्चों के मुंह तो देखने लायक थे। जब उन्हें पता चला कि मैं बुराई का रक्षक हूँ, उनके पाँव के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक गई। शाबाश जयवीर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस इसी तरह पृथ्वी लोक में बुराई का झंडा फिराते रहो। छोड़ दीजिए चिंता पृथ्वी लोक की और कीजिए चिंता परीलोक की। क्यों, परीलोक में ऐसा क्या हुआ है जो हमें चिंता होनी चाहिए? अरे है टूटने वाला पहाड़ आप पे, है गिरने वाली बिजली आप पे, है मिलने वाली मिट्टी में आप। तौबा तौबा, मतलब अरे दिया है आपके उस मनहूस नाराज परी ने आपको धोखा और दे दिए परियों के जादुई दल उनको वापस। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और यही नहीं है, जाने वाली परियां गुप्त रास्ते से परिलोक से बाहर। नाराज परी, ये अच्छी चाल खेली है तुमने लेकिन मैं तुम्हारी इस चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। भयंकर परी, मैं अभी उन परियों को जाके कैद करता हूँ। नहीं जयवीर, ये शुभ काम मैं करूंगी। मैं इन परियों को ऐसी भयंकर सजा दूंगी कि ये दोबारा भयंकर से भागने की गलती नहीं करेंगी। जयवीर, तुम परी मैदान जाओ और इन परियों के लिए कैद खाना तैयार करो। मैं खुद इन परियों को इस कैद खाने में डालूंगी। नटखट परी, अब आप अपने जादुई दंड से हम सबको छोटा कर दीजिए। जी बाल परी। बुराई के सिक्के होते हैं खोटे, हम सब बन जाएं छोटे। ये क्या हो रहा है, मेरा जादू क्यों नहीं चल रहा है? बाल परी, कहीं भयंकर परी ने हमारे इस जादुई दंड को बेअसर तो नहीं कर दिया? अगर हम छोटे नहीं हुए तो हम गुप्त रास्ते से परीलोक से बाहर कैसे जाएंगे? आप एक बार फिर से कोशिश करके देखिए। हाँ भयंकर परी। कोई फायदा नहीं होगा, आप सब चिंता मत कीजिए परियो, भयंकर परी ने हमारे जादुई दंड की शक्तियां सुला दी है और उसे फिर से जागृत करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। राज में बुराई की दूषित हवा तो चलती ही रहती है। डरने की बात है नटखट परी,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.